24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 126 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। सबसे ज़्यादा 60 मरीज रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए हैं। अपडेट करें कि 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 126 मरीजों में डेंगू की तस्दीक सामने आई है, जबकि सबसे ज़्यादा 60 मरीज रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए। इसी हवाले से ज़ुल्करैन राणा मज़ीद बताएंगे। जी ज़ुल्करैन राणा, ये बताएगा कि कितने केसेस अस्पतालों में पंजाब भर में रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, डेंगू के वार जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 126 नए मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें रावलपिंडी जो है वो सरे फहरिस्त रहा है। 24 घंटों के दौरान 60 नए मरीज जो हैं रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर में जो है वो 34 नए केसेज जो हैं सामने आए हैं। मुल्तान में 13 और फैसलाबाद में जो है 7 आए हैं। इसी तरह से गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी 5 से 2 और 1-1 केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त जो डेंगू की कुल मरीजों की तादाद है वो 106 है जो जेरे इलाज हैं, जबकि लाहौर में सबसे ज़्यादा मरीज है और जेरे इलाज हैं। जो सरकारी सतह पर जो है वो अस्पतालों में जो है 33 मरीज जो है इसका जेरे इलाज हैं। महकमा सेहत का कहना है कि डेंगू के लार्वे को जो है रोजाना की बुनियाद पर तलब किया जा रहा है और कल भी गुज़िश्ता रोज भी 1 लाख से ज़ायद मुकामात को चेक किया गया और 3,000 से ज़ायद के मुकामात ऐसे थे जहाँ पर लार्वा बरामद हुआ। शहरियों से हिदायत की है कि वो पानी को जो है जमा ना होने दें, साफ सुथरे माहौल जो है वो अपने गिर्द और घरों में रखें ताकि डेंगू के वार से जो है बच सकें। जी बहुत शुक्रिया।